एक विवाहिता यौन शोषण का शिकार होकर गर्भवती हो गई। आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी घाटजी यवतमाल निवासी है। 36 वर्षीय संतोष गणेश नागरिकर है। पीड़िता 27 वर्षीय विवाहिता का पति राजस्थान में रहता है। पति से अनबन के चलते वह 3 साल में नागपुर आ गई थी। इसके बाद से वह पिता के साथ रहती है। उसकी 2 साल पहले फेसबुक पर संतोष से मित्रता हुई है। संतोष ने खुद का नाम पवन चौधरी बताया और वह अकाउंट पवन चौधरी के नाम से ही था। जब दोनों के बीच चैटिंग होने लगी, 15 मार्च को संतोष विवाहिता के घर में आया। उसने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाए। वह 2 दिन तक विवाहिता के ही घर में रहा। पिता ने इसका विरोध भी किया लेकिन उन्होंने नहीं सुना। शादी का झांसा देकर वह अक्सर आना जाना लगा रहता था, जिसके बाद दोनों के बीच लगातार शारीरिक संबंध होने लगे। संतोष ने अपना परिचय बताया कि वह यवतमाल का है और उसके पास अपनी वाइन शॉप खेती बाड़ी भी है। विवाहिता ने इस पर भरोसा किया। संबंध के चलते विवाहिता गर्भवती तक हो गई। वह संतोष को इस बात की जानकारी दी पर संतोष ने टाल मटोल करने लगा और संतोष तब भी शारीरिक संबंध बनाने लगा। वह फिर 12 अक्टूबर के बाद से संतोष ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। विवाहिता के पास संतोष के आधार कार्ड के प्रति थी। विवाहिता को पता चला कि संतोष एक ठग है। विवाहिता ने हुडकेश्वर के थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। धन्यवाद।